बनाते हैं कच्चे आम का मुरब्बा। 1.5 किलो कच्चा आम लिया है, आम का छिलका निकाल के उसे ग्रेट किया है और ये ग्रेट किया हुआ आम 6 कप है। ये आम एकदम खट्टा है, इसलिए 1.5 किलो आम के लिए 3 किलो चीनी और गुड़ का मिक्सचर ले रही हूँ। 2.5 किलो चीनी और 1/2 किलो गुड़ लिया है। आप अपने पसंद से गुड़ और चीनी का प्रपोर्शन बदल सकते हैं। अगर आम ज्यादा खट्टा न हो तो चीनी और गुड़ का मिक्सचर 3 किलो की जगह 2.5 किलो ही लेना। जैसे इंस्टेंट लेमन अचार के लिए एयर टाइट डिब्बे में नींबू को डाल के पकाया था, वैसे ही इस आम को डिब्बे में डाल के प्रेशर कुकर में पकाना है। डिब्बे का ढक्कन एकदम टाइट होना चाहिए, उसमें पानी बिल्कुल नहीं जाना चाहिए। इस पैन में गुड़ और चीनी के मिक्सचर को डालते हैं। ये डिब्बा मैंने प्रेशर कुकर में रखा था। 1 सीटी होने के बाद हीट को लो करके 5 मिनट के लिए प्रेशर कुकर गैस पे रखा था। इसको खोलते हैं। इस आम को अब इस चीनी के मिक्सचर में डालेंगे। इस मिक्सचर को पकाना है। जब तक चीनी और गुड़ पिघल जाए तब तक इस मिक्सचर को गैस पे थोड़ी देर पकाते हैं। चीनी और गुड़ पिघल चुका है, अब इसको एक उबाल भी आया है, बहुत अच्छा गोल्डन कलर आया है। इसको कुकर में ज्यादा नहीं पकाना है, तो एकदम इसका पल्प बन जाएगा। हमें पल्प नहीं चाहिए, रेशे रेशे ऐसे दिखने चाहिए। ये ऊपर जो झाग सा दिख रहा है उसे निकालती हूँ। काफी सारा झाग निकल चुका है, 5 मिनट इसे बॉईल किया है। जब इस पे इस तरह से बबल्स आएंगे तो गैस को बंद करना है। गैस को बंद किया है। अब इसमें 1 टीस्पून भर के कार्डमम पाउडर, वेलची पाउडर डाल रही हूँ और थोड़ा सा केसर डालना है। क्रश किया तो केसर का फ्लेवर अच्छा आता है, तो ये डाल रही हूँ केसर। अभी ये इतना पतला दिख रहा है लेकिन ठंडा होके गाढ़ा बन जाएगा। अब इसे ठंडा होने के लिए रखते हैं और ठंडा होने के बाद सूखे कांच के बोतल में रख देंगे। बढ़िया गोल्डन मुरब्बा तैयार है। इस बोतल को क्लिंग रैप लगाएंगे और टाइट ढक्कन लगा के स्टोर करेंगे।